नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर में पटवारी व कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को निलंबित किया गया है, बड़ी खबर है। जी हाँ, शिकायतों का निराकरण करने में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने ये कार्रवाई की है। सागर में प्रशासनिक कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर दीपक आर्य ने राहतगढ़ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और पटवारी को निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार कलेक्टर दीपक आर्य ने पदीय कर्तव्यों के प्रति अनुशासनहीनता, शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, उदासीनता के कारण राहतगढ़ के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी गगन चौकसे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। चौकसे द्वारा 12 मई से 14 मई तक आकस्मिक अवकाश व मुख्यालय छोड़ने की प्रभारी अधिकारी के समक्ष मौखिक रूप से अनुमति चाही गई थी और 14 मई को मुख्यमंत्री का सागर दौरा और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम होने के कारण प्रभारी अधिकारी द्वारा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति देने से स्पष्ट मना किया गया था। प्रभारी अधिकारी को अनदेखा कर बगैर अनुमति के मुख्यालय छोड़ा गया व 5 जून तक कार्यालय से अनुपस्थित रहे। समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत गेहूं उपार्जन का भुगतान नहीं होने संबंधी 2 जून की स्थिति में राहतगढ़ की 11 शिकायतें लंबित है, जिसका निराकरण चौकसी द्वारा नहीं कराया गया। कार्यालय में इनकी अनुपस्थिति से सीएम हेल्पलाइन की 50 दिवस से अधिक की लंबित शिकायतें हैं। 1 मई से 2 जून की स्थिति में कुल 57 शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें से कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी चौकसी ने मात्र 3 शिकायतों का निराकरण किया है। 51 शिकायतें निराकरण के लिए लंबित है। लापरवाही को देखते हुए कलेक्टर दीपक आर्य ने चौकसी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इधर सागर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विजय डेहरिया ने शासकीय कार्य में घोर लापरवाही अनुशासनहीनता के आरोप में सागर तहसील के पटवारी धर्मेंद्र रजक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। कलेक्टर दीपक आर्य ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हितग्राहियों का EKYC व NPCI कराने के लिए प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की जा रही है। 4 जून को समीक्षा में सभी ग्रामों के पटवारियों को अपने ग्राम के 30 किसानों को बैंक ले जाकर उक्त कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए थे, जिसके पालन में सभी पटवारियों को ग्राम में उपस्थित होकर उक्त कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था। लेकिन 5 जून को निरीक्षण के दौरान पटवारी धर्मेंद्र रजक ग्राम में अनुपस्थित पाया गया। उनके द्वारा शासन की योजना के क्रियान्वयन में कोई रुचि नहीं ली गई और लापरवाही के देखते हुए पटवारी धर्मेंद्र को निलंबित कर सागर तहसील की कानून को शाखा में संलग्न कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज़।